बोलता है आप लोग अगर मुकदमा नहीं उठवाओगे तो आप पर मैं गोली चलवा दूंगा, छपरा में आप पर 10 मुकदमा करवा दूंगा, आप पर रेप केस छपरा में करवा दूंगा, हरजन एक्ट करवा दूंगा, आप दौड़ते रहना। कब लिया जाए इससे पार्किंग में जबरदस्ती ऑफिस बनाए हुए है, कब्जा किए हुए और पार्किंग में जितना गंदगी है वो सब ला के इसमें रख लिया। मेरा काम है कि वहाँ से ऑर्डर लेना और यहाँ काम करना, ठीक है? तो इसीलिए तो तुमसे पूछे कि कौन इस चीज का। यहाँ जाइए, पीएम से बात करिए, जीएम से बात करिए। कहाँ मिलता है? ऑफिस में बैठे हैं। कहाँ पचावा? ये जानते हैं हर हर महादेव चौक, ब्लू डायमंड होटल। पीएफसीएम को यहाँ क्यों नहीं बुलाते हो? अगर लोग यहाँ हैं, तुम यहाँ दिक्कत यहाँ हो रहा, प्रॉब्लम यहाँ हो रहा। ये दो बार जा चुके हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकला होगा। ऐसा तो नहीं है कि सोल्यूशन नहीं निकला तभी ना इतना लोग। ऐसा थोड़ी ना है कि सोल्यूशन किया ही। हमारा 48,800 रुपया निकल रहा है। मेरे सामने भी हुआ था जो एक नहीं कहा क्या, हम कहे उसको पैसा जमा कर दो, काम कर दो, हम कंप्रोमाइज लगा दे। कहता पहले कंप्रोमाइज लगाइए, आपका सब काम कर क्यों लगा देगा हम कंप्रोमाइज? इस पर एफआईआर हुआ है। पहली बात है कि तुम्हारा ये एफआईआर पर जो इशू गया है कि प्रॉब्लम में आया तो नहीं एफआईआर तक इशू गया, तो तुम पहले कहते हो कहा 10 को केस आप पर छपरास करवा देंगे। वो जो इसका मैनेजर है सुनील का, 10 को केस हम छपरा से आप पर करवा देंगे। आप केस किए हैं तो हम भी करवा देंगे। मैनेजर है, तुम गलत किया है। ऐसा बात तो कभी बोले ही नहीं होंगे। तुम्हारा नाम बोले, जो बोला उसका नाम बोले ना। इसका मतलब तुम नहीं बोला तो बोलेंगे तुम्हारा। ये तो एक्सटॉर्शन का तरीका है ना कि आप पहले बोल दीजिए कि आपका सारा काम हो गया तब काम करेंगे, ये तो एक्सटॉर्शन है ना। पता नहीं ये क्या बात हुआ हम जितना जान रहे हो बता रहे हैं। ये तो इनका एक मिनट हाँ बोले। जब ये शाम के टाइम में गए थे तो मेरा ड्यूटी ऑफ हो गया, 5 बजे के बाद मेरा ड्यूटी ऑफ हो जाता है। तो हम ऑफिस में गए, ये भी उस समय आए तो हम उनका लेजर ये तो शायद इनके ऊपर कुछ पैसा निकल रहा था। उनके एक और जब पूरा लेजर निकाला गया तो इनको पैसा देना है कंपनी की तरफ से, ये निकला, ठीक है? निष्पक्ष वहाँ ये हो गया, ठीक है? 3-4 दिन बाद बोला गया कि CLO आएंगे, ED आएंगे, GM और PM सभी लोग रहेंगे और इनको बुलाया जाएगा, ठीक है? और मीटिंग होगा। अब मीटिंग में क्या हुआ? दिन में तो हम ऑफिस में रहते नहीं है, जो हमको पता मीटिंग हुआ, लिखा पढ़ी हुआ, सब बना हुआ। फोन करके हम पूछ सकते हैं ना, ये पूछ सकते हैं। पूछ लो कि क्या हुआ कि हम हमारे सामने पूछो कि हमारे सामने कस्टमर है, हमारे सामने और लोग भी आ रहे हैं, इनका क्या हुआ, इनका रिजोल्यूशन क्या है, ये तो तुम पूछ सकते हो ना। ये एक तरीका में बात हुआ है ना। अब आप आकर के डायरेक्ट हमसे कोई भी बात पूछ लीजिएगा, वो तो हमको पता नहीं होगा। तो तरीका में बात की है, सही लगा है ना। कस्टमर तुम्हारे पास आएगा क्योंकि तुम साइट पे हैं, कस्टमर आएंगे, ठीक है? लेकिन इनके बिल्डिंग में हम पहले से काम किए रहते तो वो बात हम समझिए। वास्तु विहार में आप रह रहे हैं कितने वर्षों से? एक साल से, पिछले एक विगत एक वर्षों से मैं यहाँ तो हो गया ज्यादा एक वर्षों से। क्या यहाँ पर जो भी है, जो जिस सिस्टम से जो आप लोग रह रहे हैं, क्या सिस्टम आपको पसंद आया? देखिए जो इन्होंने एग्री बोल के दिया जो भी कि यहाँ पे ये चीज फैसिलिटी होगा वो चीज यहाँ पे अवेलेबल कुछ नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे क्या, पानी का ड्रेनेज नहीं है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जो बिजली इलेक्ट्रिकल का सप्लाई हर मकान में जो दिए है वो सही नहीं किसी में। हर जगह देखिए 3 फेज का लाइन सर्विस मिलता है, यहाँ 1 फेज वो भी ऐसा है कि सही से नहीं चलता है। प्रॉपर बिजली का व्यवस्था नहीं है, ना प्रॉपर ड्रेनेज है, ना प्रॉपर इनका ये कोई पानी चैम्बर कहीं नहीं है। पानी देखिए अभी पीछे दो चैम्बर ओवरफ्लो कर रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, अब पार्किंग इन्होंने जो बनाया, एक देखिए विगत तो इन्होंने कोई ढंग का सोसाइटी नहीं बनी। सबसे पहली बात ये कोई अपने ढंग का मकान नहीं बनाया, जिसको जैसे मन हुआ उसे अपने बना दिया।
कुछ लोगों का आरोप है कि जो ये सड़क है, सड़क पर गंदे पानी बह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हाँ, बह रहा है, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। देखिए, अभी मेरे घर के ठीक सामने चैम्बर का पानी, दो चैम्बर का पानी बह रहा है। बिजली का तार जहाँ तहाँ जैसे तैसे लटका हुआ है, कोई शॉर्ट सर्किट से किसी की बड़ी हादसा हो गया हो सकती है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो बेसमेंट के नीचे जो पार्किंग है, ये पार्किंग को लेकर के लोग का काफी आक्रोश है। हाँ, रहेगा, निश्चित रहेगी, जिनकी सामान है वो तो मांगेंगे ही ना भाई, आज हमारा संपत्ति रहेगा मांगेंगे ही हमको। तो आपने जो आप हमको, मेरा कहना है कि आपने जो हमको एमनिटी में लिख के दिया भैया, हमको उतनी चीज चाहिए। आप हर सोसाइटी, वास्तु विहार का जो एग्रीमेंट पेपर बना था, क्या वो एग्रीमेंट पेपर में जो कुछ बातें साझा किया था उसको लेकर के आप लोग क्या उसमें देख रहे हैं भिन्न भिन्न? हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अभी इसके जीएम से भी बात किए थे, अभी जीएम हम लोग कुछ आश्वासन दिए हैं, फिर टाइम बॉन्ड हो पूरा होगा तो फिर हम उनसे बात करेंगे इसके मैटर पे। हम लोग बात कर रहे हैं इस पे लगातार, बात चर्चे, बिजली की तार भी गई है, हम उनसे भी चर्चे पे बात कर रहे हैं उनसे कि पहले, सबसे पहले आप इसको ठीक कराइए, ये सबको अंडरग्राउंड करवाइए। 2,20,000 का है, 2,20,000 का उसके नीचे जो मकान बनाया गया है उसको लेकर भी लोग आपत्ति जता रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा होगा ही। बस देखिए, बनाना कोई मकान बनाना कोई सोल्यूशन नहीं है, मकान बना देना उसके बाद उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। माने आप कोई सोसाइटी बना दीजिएगा, आप सोसाइटी का आपने लिखा 24 आवर सिक्योरिटी, क्लॉक राउंड क्लॉक सिक्योरिटी, वो तो कुछ नहीं है। तो साफ तौर पर आप लोग ठगी महसूस कर रहे हैं, दो बार डकैती हो चुका है, इससे बड़ा दो बार हम लोग बस एक बार ताला तोड़ चुका है, दो बार डकैती हुआ है। तो वास्तु विहार से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं, एकदम नहीं है, जितना भैया हमारा डिमांड है उसको पूरा कर। क्या नाम है आपका? डिस्ट्रिक्ट जज वाला मेजरमेंट करके जाता है इस एरिया का, काम करता है इस एरिया में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तीनों का मेजरमेंट हम करवा के भेजे हुए हैं, वो पैनल ला के बैठाएगा। और तुम्हारा भैया सब आज से पैनल बैठा हुआ, हम जब से स्ट्रीट लाइट लगा उसका भी तार नीचे से खींच के पहुंचा। ये हम अरे कोई प्रॉपर वो प्रॉपर अपार्टमेंट में जो नीचे तार लग रहा है, कम से कम जब लटकाना ही है तो उसको कांटी को ऊपर रखा दो थोड़ा सा, वहाँ पे बच्चा कहता किसी दिन की कोई हैपनिंग होगा तो किसी की औकात है बचा लेगा किसी को। वहाँ पे एक अपार्टमेंट है, हाँ एक ट्यूबवेल है, समझ गए ना, सबको सबसे जोड़ दिया है। वो कहेगा हम पहले पानी लेंगे, ये कहेगा हम पहले पानी लेंगे, इसका कोई व्यवस्था इसका इसके पास नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं, वहाँ खोल दिया है मेरा चुका है, पानी नहीं मिल रहा है किसी को। एक बार जाके देख लिया, पहले हम देख लिए हैं अपार्टमेंट खोल दिया, हम 2 घंटा 2.5 घंटा भोगते रहे कि पानी काहे नहीं छत पर चल रहा है, एक ही ट्यूबवेल से सबको जोड़ दिया है, इधर जोड़ दिया है उधर जोड़, अरे सबको कम से कम अलग अलग ट्यूबवेल दे दीजिए। अरे नहीं, आप चले जाइएगा, सब में सबका टिकी लगते रहेगा सब। देखिए वहाँ जितना दिन कहे उसको ढक दीजिए, कम से कम मसाला डाल दीजिए, पाइप नहीं टूटे, पाइप टूट गया है, लोग जोड़वाया नहीं, हम अपने प्राइवेट मिस्त्री को बुला करके जोड़वाया तो ऊपर किचन में पानी मिला है। मामला पूरा क्या है? 120 स्क्वायर फीट जमीन करके इस आदमी को सबको लिखा है, देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक तो सवा 2 कट्ठा जमीन है, किसी को बायफर्केट किया है? आधा भी नहीं है, किसी को बायफर्केट करके अभी तक नहीं दिया है। कहाँ का पूरा मामला है ये? वास्तु विहार पचम्बा। और ये पार्किंग वर्किंग के बारे में कह रहे थे, देख रहे हैं पार्किंग, देख रहे हैं ना, पार्किंग दिया 1,00,000 रुपया पार्किंग का लिया, कहीं पार्किंग बना के दिया एक्स्ट्रा 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया पार्किंग के नाम पर ऊपर से। कितने सालों से आप लोग जो है इसको कह रहे हैं हैंड ओवर करो, हैंड ओवर? भैया हैंड ओवर 2018 से कह रहे हैं हम, 2018 से अभी तक हैंड ओवर नहीं मिला है, काहे हैंड ओवर मिलेगा, देख रहे बल्बे नहीं किया, हैंड ओवर कहाँ से मिलेगा इसका? और ये जो घर में सब जगह सीलिंग उलिंग हो रहा है, टूट टूट रहा है, सब केवारी इसका डैमेज है, सारा दीवार इसका जो है मैंने झरझर के गिर रहा है, ऊपर से पानी, मैंने कोई भी काम इसका बढ़िया नहीं, कहते कहते थक गए हैं। रास्ते में नाले की पानी बह रही है, गंदे पानी, उसका कोई अच्छी नहीं है, कहा पानी कहाँ जाए, कल के डेट में पानी जल्दी उसके पानी है वहाँ गिर रहा है, वो पानी कहाँ जाएगा किसके जमीन, उसका कोई अथी नहीं, अंडरग्राउंड पहले की होता कहाँ से किसका कहाँ है, कहीं किसी को नहीं बताया, इसका टंकी फुल हो जाएगा कहाँ पर है नहीं दिया है, इसका पानी उससे पानी कहाँ जा रहा है, एक ही समरसेबुल से सब पानी जाता है, समरसेबुल है यहाँ तो उसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इस ब्लॉक को भी मिल रहा है, इस ब्लॉक को भी मिल रहा है, जब उधर वाला खोल दिया तो उसको पानी नहीं मिलेगा, ये खोल दिया तो उसको पानी नहीं मिलेगा। आप लोगों का जो रजिस्ट्री हुआ है इसी जमीन का हुआ है कहीं और मिल गया है? नहीं, हमारा तो इसी जमीन में है, और किसी किसी आदमी का कहीं इधर उधर भी नहीं है। मेरा तो मैंने वास्तु विहार में जो आप रह रहे हैं, क्या आप लोग ठगी महसूस कर रहे हैं या फिर? अरे भाई ठगी महसूस क्या करेंगे, आप 5 साल 6 साल यहाँ आए हुए हो गया, अभी तक पानी का व्यवस्था अलग हुआ है, पार्किंग का व्यवस्था अलग हुआ है, कोई काम ही नहीं बढ़िया से हो रहा है,
क्या कहे हैं तो, सर अभी कर रहा है, देखिए यहाँ के किसी का कान में गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा, देख रहे हैं ना। कहा यहाँ पार्किंग आपको दिए हुए हैं, देखिए किसका है जनरेटर, दो रुपया किराया दिया है इसका, ऑफिस बना हुआ है, इसमें ऑफिस बना हुआ था, पानी मिला एक ट्यूबवेल है ना खोल दिया, इसको पानी नहीं मिलेगा, देख रहे हैं पानी, वैसे पानी कहाँ गिर रहा है, किसके जगह पर लग रहा है, कोई अच्छी है। वास्तु विहार में आप रह रहे हैं और क्या यहाँ का जो नज़ारा है क्या है, कैसा लोग संतुष्ट है या फिर आक्रोश काफ़ी देखने को मिल रहा है? नहीं, ये सारा कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है और टॉप मैनेजमेंट केयर नहीं करता, सबसे पहले कस्टमर के फीलिंग को केयर नहीं करना ये सबसे बुरी बात है। और सारे लोग पैसा दे चुके हैं बट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ की वो आएगा, पिछले 14 साल से इनकी जो कॉमन एमिनिटीज़ हैं आज तक कम्प्लीट नहीं हुआ, पक्की ठक है, सबका जमीन ओढ़ फेर कर दिया, घर इधर जमीन उधर, सब कवाला गलती, कवाला भी गलती मैंने कि जमीन सब का घर ही है कवाला, वो जमीन है खता किसी का गड़बड़ किसी खतरा गड़बड़, यही धंधा, किसी को बाथरूम अथी टंकी बना के नहीं दिया, सब का नक्शा में टंकी है, सब को फंसा दिया, बिजली वाला 2 लाख 20 हज़ार, अब बिजली तिजली सब अलग कर दिया, बिजली अब सब गड़बड़ा दिया, कभी लाइन तैनर नहीं रहता। पूरा मामला यही है, मैं 2013 में इससे मकान लिया, 2013 में लेने के बाद जो है उस समय मैं इसको 25% पैसा दे दिया, 2017 में लोन लेके इस पर सब रुपया दे दिया, मेरा एक्स्ट्रा रुपया इसके यहाँ जो ड्यूज है वो आज तक ये वो नहीं लौटा रहा है, और मेरा मकान जो है सब जितना काम किया है वो कट मार्बल के जगह तो घटिया टाइल्स लगा दिया है, और जितना सीमेंट वगैरह किया है सब झड़ रहा है, जितना किवाड़ वगैरह टूट के गिर रहा है। कहाँ का पूरा मामला है? ये वास्तु विहार पचम्बा का मामला है, इस पर जो है हम हाईकोर्ट चीफ जस्टिस आईजी डीआईजी डीजीपी सब जगह लिख के उसके बाद कोर्ट के न्यायालय के आदेश से एफआईआर हुआ है इस पर। एफआईआर में जो है मनोज तिवारी, विनय तिवारी, सुषमा तिवारी, विवेक कुमार, ये सभी मुदाले, सुनील कुमार, एक सुनील कुमार यहाँ का मैनेजर है वो जो है छपरा का है, उस बोलता है जो मैं सुषमा तिवारी के गाँव का हूँ जो कि MD है कंपनी का, वो बोलता है जो आप लोग अगर मुकदमा नहीं उठवाओगे तो आप पर मैं गोली चलवा दूंगा, छपरा में आप पर 10 मुकदमा करवा दूंगा, आप पर रेप केस छपरा में करवा दूंगा, हरजन एक्ट करवा दूंगा, आप दौड़ते रहना, कंप्रोमाइज करने के लिए डेली जो हम पर दबाव बनाता है। सिंघौल थाना कांड संख्या 24/2024 जो है इस पर दर्ज हुआ, पार्क पर कोई कार्रवाई या पार्किंग जो है मेरा देख लिया जाए, इससे पार्किंग में ज़बरदस्ती ऑफिस बनाए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, और पार्किंग में जितना गंदगी है वो सब ला के इसमें रख लिया, इसके लेके मैं आज तक हमको ये मकान नहीं दिया, मैं इसमें नहीं रह पा रहा हूँ। अंदर का क्या स्थिति है? अंदर का स्थिति आपको दिखा देते हैं, डोर वगैरह सब टूट के गिर गया है, और जितने सीमेंटेड है सब छड़ सीमेंट वगैरह प्लास्टर है सब गिर रहे हैं, जो पेंट वगैरह किया है वो देखिए सब सीमेंट झक गया, आप लोग एक बार चलाए तो ही हल्का पुट्टी करके प्लास्टर कर दिया, ये टोटल गिर गया, आपके चलाने के बाद ही जो है ना प्लास्टर करके पुट्टी मार, यही मकान की स्थिति है, ये जो है ना जैसे बारिश होगा सब में पानी भर के अंदर आ जा रहा है, ये जितने है सीमेंट तो है सब झल गए, ये तो है ना जितने सीमेंट प्लास्टर किया है सब झल के गिर रहा है, ये देखा गया ये 3 नंबर इतना लगा है प्लास्टर बहुत झल रहा है। चौखट तो सब सर के गिर रहे हैं, सब गिरने की स्थिति में है, ये देख लिया है सब, ये ये दूर भारत से रुक के गिर गया, उनको नया लगवाए हैं 8 दिन पहले नया लगवाए, सब रुक के गिर गया, ये रोड पे गिरने पर है, इसका जो स्थिति है ये गिरने पर है। तो दीमक लग रहा है, गंदी पहाड़ी लकड़ी का दिया था जो की हमको बोला शीशम या सागवान देंगे, इसके बाद ऐसा दिया जो घर के फूट के चौकट पे रख दिया, इतना नल दिया है मंदिर के नाम पर पैसा ले लिया, और सभी नल में किसी में पानी नहीं देता, इस वक्त खड़ा था देखा गया किसी नल से इसका पानी नहीं देता,
ये सब खराब है। छोटा ऊपर भी नल वगैरह कुछ भी काम नहीं करता है, टोटल लगा दिया है कोई काम नहीं करता है। बिजली वगैरह कितना खराब स्थिति कर दिया है, किसी का बोर्ड ही नहीं है, से देखे सब बोर्ड जो है ना सारा हुआ ब्रांडेड बोर्ड के नाम पर पैसा हमसे दिया। ये जो है खिड़की है देख लिया जाए पानी मतलब रूम के अंदर आ जाते हैं, बरसात में अंदर के रह नहीं सकते हम, और इधर कम बिजनल है और इमाम नहीं करता, जबकि लग जाए कि नाम पर 2,80,000 एक्स्ट्रा लिया है, कोई भी काम नहीं करता नल का कि कुछ नहीं काम नहीं कर, सब इस तरह इसका इतना खराब इसे दिया। ये जो है देखिए लग्जरी फ्लैट है, कौन फ्लैट है ये लग्जरी फ्लैट है, लग्जरी फ्लैट है, 12,68,000 लिया था उन्होंने बेचता कम था और 2,80,000 एक्स्ट्रा लिया लग्जरी के नाम, लग्जरी कार है उसने चौकट वगैरह लिया था, जब टेम्पो रिमेंट किए हुए हैं तो सागवान या शीशम का देंगे या पोर्सलेन का दिल्ली लकड़ी चाहे तो सब देख लेते हैं किस राशि में डाल रहे हैं, तो साफ तौर पर ठगी महसूस साफ तौर पर ठगी महसूस कर लिया। अब से मान जो ये लोग कहता है 100 मुकदमा कंपनी पर चल रहा है, हम क्या कर लेगा उनको धमकी देता है मुकदमा उठा लेता और कहता है गोली मरवा दे, आप सुनी रहे वो कहता है गोली मरवा। किसके द्वारा क्या बताया गया? हम 5 को इसमें अभियुक्त बनाए हैं, एक विनय तिवारी है, एक सुषमा तिवारी है, एक विवेक कुमार है, एक ओंकार है और एक सुनील है। सुनील जो है हमका मैनेजर है, सुनने में 8वां पास है, उसका घर छपरा है, वही धमकी देता है। क्या धमकी दी आपको? धमकी दिया जो मैं सुषमा तिवारी के गांव का हूँ, अगर आप केस मैडम पर किए हो, अगर केस नहीं उठाओगे तुम पर गोली चल सकती है, यही बोला। पैसा वगैरह आप सब कुछ दे चुके हैं? एक्स्ट्रा पैसा मेरा 48,800 रुपया एक्स्ट्रा रखे हुए, जो बैंक से लोन करवाए ना तो बैंक उसके खाता में दे दिया, वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लौटा रहे, कहता है आप लिख के कंप्रोमाइज दे दो तब मैं पैसा लौटाऊंगा तुम्हारा काम करवा दूं, लेकिन मैं कंप्रोमाइज किस तरह से लगा, बहुत बड़ा ठग है। देखे यहाँ को पूरा जो है ना हजारों का मेरा तो ये जमीन है जो हमको दिया है, जबकि जो कागज पे लिखा है वो यहाँ से 198 फीट के बाद है, मैं ब्लॉक से उसका नापी कराया तो बाद में पता चला ठग लिया, हमको लिखा है 1,100 square feet जबकि कंपनी की जमीन मात्र 1,875 है, जो कि खुद अपने डॉक्यूमेंट में वो फंसा हुआ है, हमको लिखा है 1,100 और ऊपर वाले को लिया है लिखा है 875 जो है ही एक्चुअल में 875 ही, और हमको जो 1,100 square feet लिख रजिस्ट्री कर दिया और जिसके कारण हमको 2,60,000 रुपया रजिस्ट्री में खर्चा लगा, 26,40,000 सरकारी मूल्य है इस फ्लैट का। क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं जो ये एग्रीमेंट किया है 2013 में, एग्रीमेंट के मुताबिक मेरा काम कर दे और जो पैसा मेरा है दे दे, यही मांग है इसे, सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। पैसे से क्या है आप? एडवोकेट है सिविल कोर्ट में, एडवोकेट कलर का काम।